रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ, खुश रहें, आबाद रहें। पहले जल्दी से मेरी वीडियो को कर लें लाइक, और जो न्यू आए हैं वो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। ओके, आज गुड़ शक्कर की किचन में बनने लगी है मिस्सी रोटी। बेसन वाली रोटी आज मैं मेक करने लगी हूँ। कभी खाई है आप लोगों ने बेसन वाली रोटी? जी ये गर्मियों में लोग खाते हैं, बड़े मज़े की बनती है। आज मैं भी बनाऊंगी तंदूर में। तंदूर में तो नहीं बनाऊंगी, बनाऊंगी पैन में, लेकिन लगेगी ऐसे जैसे तंदूरी मिस्सी रोटियाँ। ओके, आज मैं फर्स्ट टाइम मेक करने लगी हूँ, स्पेशली आपके लिए, अपने यू टू फैमिली के लिए। ओके, ये मैंने लिया है आटा, ये मैंने एक प्याली भर के लिया है, और साथ मैंने हाफ प्याली जो है बेसन लिया है, और ये साल्ट लिया है 1 टीस्पून, 1 टीस्पून रेड चिली, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीसपून, और ग्रीन चिली 4 से 5 ये मैंने कट कर ली, कोरिएंडर हैंडफुल। ओके, तो फिर रेडी करते हैं। सबसे पहले जाएगा आटा, ये सब कुछ मैंने ऐड कर लिया बाउल में। अब हम इसके गूंदते हैं आटा। अच्छी तरह से गूंद लेते हैं। ये देखिए गाइस, आटा गूंद लिया मैंने। अब इसे रखते हैं 10 मिनट्स के लिए, रेस्ट देते हैं, फिर रोटी मेक करते हैं। ये देखिए गाइस, 10 मिनट्स हो गए हैं, रेस्ट मैंने दिया है। ये देखिए माशाल्लाह सही हो गया मेरा। अब हम बनाते हैं इसकी रोटी। ये देखिए ऐसे मैं रोटी बना रही हूँ। ये देखिए गाइस, रोटी हो चुकी है रेडी। अब इसमें हम लगाएंगे वाटर, इस साइड पे हम वाटर लगा लेते हैं। ओके, अब इधर हमने पैन, ये मैंने स्लो फ्लेम पे पैन रख दिया था, ये अब थोड़ा हॉट हो चुका है। यस, अब इसमें जाएगी रोटी। ओके, इसमें लग करते हैं बिस्मिल्लाह। ये मेरी आ गई है रोटी, पकने देते हैं इसे, फिर चेंज करेंगे। अब हम इसे काट देंगे उल्टा, ये देखिए ऐसे। अब इसको नीचे से वो रेडी हो चुकी है, अब हम इसे कलर देना है हमने इसे। ये देखिए माशाल्लाह, स्लो फ्लेम पे बस आपने ऐसे घुमाते रहना है चारों साइड से, इक्वल कलर आए। ये देखिए थोड़े से आ गए हैं, ज़्यादा नहीं आपने डार्क करना, कि वो पता है जो उसके फूल बनते हैं वो ब्लैक ब्लैक हो जाते हैं। ये देखिए कितना कलर आ गया माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, मेरी तंदूर की रोटी हो चुकी है रेडी। ये अब हम ये साथ, पता है जब बाटर लगाते हैं ना तो फिर साथ चिपक जाती है, ऐसे ही ये चिपक गई है गाइस। ये देखिए सही रेडी हो चुकी है ना, वाओ जबरदस्त ना। ये देखिए बटर लग गया, अब दूसरी मेक करते हैं। देखिए गाइस, अब ये दूसरी जा रही है। ये देखिए गाइस, अब हम इसे टर्न करते हैं। ये आपने मीडियम पे रखना है, मीडियम से थोड़ा लो ही रखना है आपने ना। ये देखिए ऐसे फ्लावर, ये पता है फ्लावर से ही आते हैं ब्राउन ब्राउन कलर के, अगर आप ज़्यादा हाई पे रखेंगे तो फिर जल जाएगी आपकी रोटी, फिर वो नहीं सही बनती। ये देखिए गाइस, मेरी दूसरी रोटी भी हो चुकी है रेडी, अब इसे भी निकाल लेते हैं। 3 मैंने मेक की हैं,
एक मामा की है, एक शकर की और एक है गुड़ की। ओके ये देखिए माशाल्लाह कितनी जबरदस्त हो चुकी है कुक। वाह यानी ये देखिए गाइस ये मेरी तीसरी रोटी हो गई है मेक। ये देखिए फ्लावर फूल लिया रोटी माशाल्लाह। ये देखिए कितनी ऊपर आ गई है फूल के ना। वाह यम्मी यम्मी ना। ये देखिए माशाल्लाह अब इसे टर्न करते हैं, थोड़ा सा फ्लेम लो कर देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह देखिए 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 जबरदस्त ना। ये मिस ये देखिए गाइस ये भी हो चुकी है मेक। ये इजीली उतर जाती है नाइफ के साथ आप कर लें, स्पैचुला जिसके साथ भी आपको इजी लगे। मुझे नाइफ के साथ इजी लग गया। ये देखिए माशाल्लाह मेरी हो चुकी है। देखिए बैग भी आपको दिखा देती हूँ। यमी ना बटर ये देखिए गाइस मिसी रोटी हो चुकी है रेडी बिना तंदूर के घर में इजी तरीके से। ये देखिए माशाल्लाह और ये देखिए कितनी सॉफ्ट बनी है बटर वाली। वाह यम्मी। ये साथ मैंने गुजिया बनाई है और साथ पिकल्स लिया मैंने। तो अब करते हैं ईट। बिस्मिल्लाह जबरदस्त। ये देखिए गाइस बिग बाइट। चिली वाला बिग बाइट पिकल चिली वेरी यम्मी डिलीशियस। आप सबके नाम जो वाच कर रहे हैं सबके नाम और गुड़ के बिना आप सब इकट्ठा खाओ। बिस्मिल्लाह जबरदस्त शक्कर मजे ही बनी है। आप ऐसे ही खा लो इतनी मजे के इतने स्पाइसेस हैं इसमें बहुत मजे। भाई साहब आपको तंदूर जाने की जरूरत नहीं। जब दिल किया ऐसे घर तैयार किया और फ्रेश बना ली जब दिल किया। कभी घर कोई नहीं होता तंदूर जाने में टाइम लगता है। अपने घर में बना लो सेम तंदूर जैसा टेस्ट है इसका इतना यम्मी बना। आई होप आप भी सिलेक्ट करेंगे और मुझे कमेंट्स करेंगे और मेरी वीडियो शेयर करेंगे। बहुत मज़े की बना आप सब पास होते आप भी खाते आपने करा था वाकई यम्मी है। सही कह गया गुड़ वाह क्या बात है इतनी मज़े की बनी अब मज़ा ही आ गया। ओके गाइस इसे आपने ज़रूर ट्राई करना फिर मुझे आपने बताना। पिक्चर भी मुझे आपने सेंड करनी आपकी कैसी बनी थी। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है सारी और कितनी सॉफ्ट है कोई हार्ड नहीं है। ये देखिए इतनी जूसी है और सही बनी है। ये देखिए और बैक से भी देखिए सही रेडी हुई है माशाल्लाह। ओके अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ इंशाल्लाह कल एक और मज़े की डिलीशियस डिश लेके फिर हाजिर हो जाएंगी। तब तक लिए मुझे शक्कर का दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज। आई लव पाकिस्तान आई लव पाकिस्तान। दुआ में याद रखिएगा।